Welcome back students. In this video I'm going to teach you about the effects of oxidation. Last video mein humne discuss kiya tha ki oxidation kya hota hai, reduction kya hota hai. So oxidation basically means the adding of oxygen. To kya is oxidation ke koi adverse effects bhi hote hai? To mainly iske do effects hote hai. Ek effects iska jo hai metals pe padta hai aur dusra effect iska generally food pe padta hai. तो मेटल पे जो इसका इफेक्ट पड़ता है इसको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, ये कोरोजन होता है. और फूड पे जो इसका इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी. सो व्हाट इज कोरोजन, है ना? तो कोरोजन मींस होता है, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और सम अदर केमिकल लाइक एनी एसिड ऑन द सरफेस. जैसे आपने देखा होगा कि लोहे का अगर कोई गेट हो और उस गेट पे आपने पेंट नहीं किया है तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपको उसमें ब्राउन ब्राउन कलर की एक लेयर दिखने लगेगी. ये ब्राउन कलर की लेयर क्या है, ये लेयर जो है इसी को कोरोजन कहा जाता है, ठीक है. ये जो प्रोसेस है इस लेयर के फॉर्म होने का, ये कोरोजन है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस लेयर की वजह से ये जो आपका आयरन है, ये आयरन धीरे 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 खत्म होता जा रहा है. इसकी जो लेयर अभी तक इतनी मोटी थी ये अब पतली होती जा रही है और कुछ समय बाद इसमें छेद भी पड़ जाएंगे. देखिए जिस तरह से कॉपर के जो है मटके वगैरह होते हैं कॉपर के बने हुए, तो उस मटके में क्या होता है कि लेयर काफ़ी मोटी होती है. अगर इसमें हम पानी बहुत ज़्यादा जो है एयर के कांटेक्ट में ये रहता है तो धीरे धीरे इसकी सरफेस पे ग्रीन कलर की लेयर जमने लग जाती है और कुछ समय बाद इनमें छेद हो जाता है. तो ये छेद क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोरोजन. ओके ओके, सो मेटल में कोरोजन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जनरली आयरन जो है उसमें कोरोजन बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसे रस्टिंग बोलते हैं. तो देखिए आयरन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और इसमें कितना भी वाटर ऐड हो जा रहा है तो इनके मिलने की वजह से Fe2O3.XH2O ये फॉर्म होता है. तो ये जो है आपका ये रस्ट है, इसे आप हेमी हाइड्रेटेड आयरन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वाटर ऐड है, ठीक है. तो ये जो है ये रस्टिंग का एग्जांपल है. आप रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं, वैसे वाटर कितना भी हो सकता है. तो ये एक रस्टिंग का एक एग्जाम्पल है मेटल. तो ये आपका रस्ट जो है ये मेटल्स में कोरोजन का एग्जाम्पल है. तो क्या करेंगे आप, अगर आप रस्टिंग से अपने मेटल को बचाना चाहते हैं, अपने गेट को बचाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसका ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट बंद कर देंगे. कैसे करेंगे, आप उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं. तो आपको समझ में आया कि अब हम लोग अपने घरों में जो लोहे के खिड़की दरवाजे होते हैं उनको पेंट क्यों करते हैं, ताकि उनका ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके और ये रस्ट की जो लेयर है ये फॉर्म ना हो सके, जिससे मेटल जो है वो रस्टिंग शो ना करे. चलिए अब हम फूड में रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं. देखिए एक बहुत बड़ा चिप्स का पैकेट आपने खरीदा, काफी मोटा फूला हुआ चिप्स का पैकेट होता है. आप देखते हैं कि अरे वाह कितना बढ़िया चिप्स है और जैसे ही आप उसको खोलते हैं उसमें से पूरी हवा निकल जाती है और उसमें कुछ ही चिप्स के छोटे छोटे से रहते हैं पीसेस. तो ये पीसेस आप खाते हैं काफी क्रंची होते हैं. तो आप एक काम करिए, आप होली के समय में आपके घरों में भी पापड़ बनते होंगे या फिर मार्केट में जो पापड़ अवेलेबल होते हैं चिप्स वगैरह, उनको आप लेके आइए और घर में आप क्या करिए, उनको फ्राई करिए. तो जब आप घर में उनको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, आप उन्हें प्लेट में रख दीजिए और 2 घंटे बाद आप उन चिप्स को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये चिप्स तो बिल्कुल खाने लायक ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और अगर आप 2 घंटे से और ज़्यादा रखते हैं तो आपको इसमें से अनप्लीजेंट स्मेल भी आने लगेगी. इवन जो आप मार्केट से चिप्स ला रहे हैं अगर वो पैकेट फुली जो है फूला हुआ नहीं है और उसमें थोड़ा सा लीकेज के वजह से वो कंप्रेस हो चुका है, तब भी उन चिप्स को खाने में आपको अनप्लीजेंट स्मेल आएगी. तो ये अनप्लीजेंट स्मेल क्यों आई, वो आई रेंसिडिटी की वजह से. तो द कंडीशन विच इज प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड, ठीक है, विच इज बेसिकली मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल इज नोन एज द रेंसिडिटी इन फूड. सो हाउ यू कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी, जैसे अभी हमने कोरोजन कैसे प्रिवेंट करेंगे उसके लिए आपको बताया कि आप उसे पेंट कर सकते हैं या फिर उसमें ऑयलिंग भी कर सकते हैं. तो आप फूड में रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर आपने आटा गूंदा हुआ है काफी सारा गर्मी के समय है तो आप उसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है. फ्रिज में रखने की वजह से क्या होगा कि उसमें टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से
वो आराम से उसमें प्रिजर्व हो जाएगा, ओके। और या फिर जो चिप्स वगैरह है आप उसे तुरंत कंज्यूम कर लीजिए, तो अगर आप तुरंत कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो आप उनको एयर टाइट जो डब्बे होते हैं, आप एयर टाइट डब्बों में इसको रखिए, कीप कंटेनर्स में। बिस्किट्स वगैरह जो आप लेके आते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है बिस्किट्स की और आपने खोल दिया है पैकेट, तो भी आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए ताकि एयर का कॉन्टैक्ट उससे ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फूड में रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स थे जो कि हमारा डेली लाइफ में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन को बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है ये हमारा बेसिकली खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब मैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, और आप वो क्वेश्चंस करिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग करिए जो मैंने सबसे पहले अपलोड की थी इस चैप्टर की, ताकि आप सीक्वेंस वाइज सारे जो भी रिएक्शंस मैंने बताई उनको समझ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन से डिस्कस करके चैप्टर क्लोज करेंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर जो है आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। क्या आप फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या आप बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस पढ़ना चाहते हैं। टिल देन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर व्यूइंग।